पक्ष राहुल का क्या होगा भैया? वो जाएंगे फिर साइकिल कबाड़े में जाएगी और पंजा तो गया बिल्कुल ही गया, बहुत कुछ नहीं, वो अपनी नानी के घर जाए इटली में। अखिलेश कह तो रहे हैं कि भरोसा करिए इस बार गठबंधन की सरकार मोदी को खा तक भरोसा करें, आप भरोसे लायक है ही नहीं यहाँ पे, जो आप पे भरोसा किया जाए वो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब तो अपनी जो यहाँ पे साख बचाने के लिए कन्नौज में आए हैं ना, वो जनता इनको बिल्कुल नकार के फेंक देगी और 4 तारीख के बाद ये कन्नौज क्या प्रदेश में भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं भरोसा करेंगे। क्यों भरोसा करें, आज से पहले भी इसे डिंपल यादव थी, अखिलेश सरकार थी, उन्होंने क्या किया है, सिर्फ उन्होंने क्या किया है कि अपने घर परिवारवाद देखा है उन्होंने। डरा रहे हैं बाबा ये बुलडोजर, डरा रहे हैं ये कहो सूरज, ये अखिलेश जी डरा रहे हैं, अखिलेश जी डरा रहे, तमी नामांकन क्यों देर में किया, क्यों नहीं पहले लिया। सौरभ ये बताओ, आप तो युवा है, राहुल गांधी नौकरियों का दावा कर रहे हैं, राहुल गांधी मोदी योगी से ज्यादा जो है वो काम करने की बात कर रहे हैं और यही कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, तो युवाओं का भरोसा किधर है? युवाओं का भरोसे की बात की जाए, जो हमारे राहुल जी कहते हैं कि युवाओं को बेरोजगार है उसको रोजगार देने काम करेंगे, हम उनसे पूछना चाहते हैं जो 2014 से पहले उनकी सरकार थी तब उन्होंने कितना रोजगार दिया है, कितना उन्होंने विकास किया है। उनके पिताजी कहते थे कि 1 रुपये भेजो आदमी के पास 15 पैसे पहुँचते हैं, तो ये 85 रुपये से कहाँ जाता था। आज देख लीजिए जो हमारे मोदी जी अगर 2000 या 6000 जो भेजते हैं किसान सम्मान निधि, वो हमारे किसानों तक एक रुपये पहुंचता है, ये काम करने का काम किया मोदी जी ने। दूसरी बात हमारे जो अखिलेश जी की बात कर लीजिए, तो 2017 से पहले सरकार थी, लोग घर से निकलने के लिए बेबस हो जाते 6 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ पे गुंडा राज था। लोग कहते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, ये राज चलता था 2000। हमारे जब से योगी जी आए हैं ये बिल्कुल ही खत्म कर दिया, योगी जी ने गुंडा राज तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। विकास की बात की जाए तो विकास जो हमारे योगी मोदी जी ने किया है वो शायद ही किसी ने सोचने का प्रयास भी किया हो। तो आप तो युवा है, नहीं लगता अखिलेश यादव जैसे कहते हैं युवाओं को डरा रहा है योगी मोदी, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, उत्तर प्रदेश में झूठी गारंटियां दी हैं, इसी क्षेत्र से जब एक बार यानी कि अब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या उन पर भरोसा करेगी जनता? बिल्कुल नहीं भरोसा करेंगे, क्यों भरोसा करें, आज से पहले भी इसे डिंपल यादव थी, अखिलेश सरकार थी, उन्होंने क्या किया है, सिर्फ उन्होंने क्या किया है कि अपने घर परिवारवाद देखा है उन्होंने। इसमें उत्तर प्रदेश में 75 जिले लगते हैं क्या, इसमें एक ही जिला देखते हैं आप क्या? इसके बाद फरुखाबाद देख लीजिए, मैनपुरी देख लीजिए, मैनपुरी तुम्हारा गढ़ हो गया है, आप इधर हरदोई चले जाइए, 8-8 घंटे बिजली देने का आपने काम किया है, अपने घर में सिर्फ 22 घंटे देने की बिजली काम करेंगे क्या? और भी तो जनता है, और भी तो जिले हैं जहाँ पे आप विकास करवा सकते हैं, नहीं करवाने काम किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके परिवार के जो लोग चुनिंदा लोग जो हम सांसद थे विधायक थे उन्हीं के गढ़ों में काम करने का काम किया उन्होंने, और कहीं विकास करने का काम नहीं किया, क्योंकि जब वहाँ विकास होगा उनकी जेब में पैसा जाएगा, वो पैसे वाले बनेंगे, सेफाई में अपने महोत्सव करवाएंगे, वो पैसा आएगा कहाँ से, यहीं से तो आएगा। आरोप लगते हैं मोदी सरकार पे कि वो विकास नहीं कर रहे, कुछ चंद लोग ये सब जुमले जो होते हैं वो सिर्फ यही बातें करना जानते हैं, विकास की तो बात बिल्कुल करेंगे ही नहीं। मोदी के ऊपर अपलच लगाएंगे, योगी जी के अपलच लगाएंगे आप 200 रुपये एक चप्पल पहनता, 300 रुपये कपड़ा पहनता है उसके ऊपर आप अपलच लगाएंगे, जो घर पर छोड़ के देश के लिए काम करता है उसके ऊपर आप अपलच लगाएंगे। अरे आप देखिए तो जो 150 करोड़ रुपये का आप मकान बनवाए खड़े हैं सेवाई में, आप उस वो पैसा आया कहाँ से? आम जनता का पैसा है जो आपने वहाँ पे प्रयोग किया है। 300-300 करोड़ रुपए आप अपने पिताजी के जन्मदिन पे आप जैसे भाई महोत्सव कराते हुए पैसा कहाँ से आता था? इसीलिए 4 तारीख को 400 पार का नारा जो दिया है वो पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश कह तो रहे हैं कि भरोसा करिए इस बार गठबंधन की सरकार मोदी को खा तक भरोसा करें, आप भरोसे लायक है ही नहीं यहाँ पे, जो आप पे भरोसा किया जाए वो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब तो अपनी जो यहाँ पे साख बचाने के लिए कन्नौज में आए हैं ना, वो जनता इनको बिल्कुल नकार के फेंक देगी और 4 तारीख के बाद ये कन्नौज क्या प्रदेश में भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, प्रदेश में भी दिखाई नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि एक मुखिया जब चुनाव हारता है तो पार्टी खत्म हो जाती है खत्म, और वो काम हमारी जनता कन्नौज की करने वाली है बिल्कुल। तो कहते हैं अब तो डिंपल यादव जो सटे मैनपुरी से चुनाव लड़ रही है वो तो कह रही है हम जीत रहे हैं,
वो सिर्फ अभी सपनों में जीत रहे हैं, वो रात में उन्हें सपने आते हैं कि 2 लाख 4 लाख, जो सच्चाई सामने आएगी ना तो रात की नींद और दिन का चैन उनका खो जाएगा। पूरा यादव परिवार निकल गया है चुनाव प्रचार में। यहाँ पे भी तो उन्होंने अपने भतीजे को पहले उतारा, पर रेखा वर्मा को उतारा, जब जान लिया कि यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगी तो अपना खुद पर्चा भर दिया आके। अगर यही बात थी तो यहाँ से कन्नौज से किसी नेता को उतार देते, यहाँ पे तो बहुत सारे सपा के नेता जो उनको लड़ा सकते थे, नहीं क्योंकि हमारी निजर्व सीट है तो हम ही लड़ेंगे, हमारा परिवार लड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो अखिलेश परिवारवाद पार्टी है वही सिर्फ लड़ सकती है, उसके अलावा कोई कार्यकर्ता कोई पदाधिकारी यहाँ पे लड़ने का चुनाव लड़ने का कोई मन तक नहीं बना सकता। तो क्या कहेंगे आप, तो कन्नौज की जनता है, तो आप क्या कहेंगे इस परिवारवाद को लेकर, जिस तरीके से परिवारवाद को बिल्कुल नकारने का काम करेंगे, उनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ने का काम करें, जिससे आने वाले समय में वो कभी भविष्य में भी सोच ना सकें कि हम जनता को लूटने का काम करने वाले हैं, क्योंकि योगी मोदी जब तक आए तब तक ये परिवारवाद की पार्टियां समाप्त होने जा रही हैं, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएंगे। अखिलेश यादव राहुल गांधी का गठबंधन है, वो कहते हैं हम लोकतंत्र बचा रहे हैं। आप देख लीजिए ना, 19 में भी गठबंधन किया था बसपा के साथ, कर लिया था तब वो कितने वोटों से आ रहे थे, इससे पहले 2014 में उन्होंने गठबंधन किया था तब भी वही हाल हुआ, और आने वाले समय जो 4 जून को भी यही हाल होने वाला है उनका, क्योंकि रोने वाला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 4 तारीख को जो भाजपा अपनी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी और 400 पार लाएगी तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे देश से समाप्ति की राह पे चले जाएंगे। समाप्त बिल्कुल बिल्कुल समाप्त की हो रहा है, क्योंकि जब आप भ्रष्टाचार, लोगों को लूटपाट, गुंडा राज करेंगे तो जो जनता है ना वो हर चीज़ को समझती है और बाखूबी ही इन चीज़ों को करती है, तो इन चीज़ों को जनता बिल्कुल एकदम समझ चुकी है और इनको उखाड़ने का काम हमारी जनता करने वाली है। जी बताइए वाजपेयी जी, अखिलेश यादव नामांकन करके चले गए हैं, क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार? देखिए सुब्रत दादा हमारे जीतने वाले हैं, और जैसे भाभी को हराया था तैसे भैया को भी पहुंचाएंगे यहाँ से। यहाँ अब गुंडा राज नहीं चलेगा, यहाँ भाजपा राज चलेगा। यहाँ गुंडा राज नहीं कि अपने घर की बहू बेटियाँ निकल रही हो ऐसे झांकना, अब वो झांकने वाला नहीं रहा है, ये बाबा का राज्य है, बुलडोजर तैयार खड़े हैं, अब की करोगे तो बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा। पर वो तो कहते हैं डरा रहे हैं बाबा, ये बुलडोजर बाबा डरा रहे हैं, ये कहो सूरज, ये अखिलेश जी डरा रहे हैं, अखिलेश जी डरा रहे, तभी नामांकन क्यों देर में किया, क्यों नहीं पहले लिया? इसी कारण जब लोगों ने समझाया कि भैया तुम ही आओ, वो नहीं लड़ पाएंगे, हाँ तब अपना आए। ये तो ये अपना गुंडागर्दी दिखाने के लिए अब नहीं चलेगा, बाबा ऊपर बैठा है, बुलडोजर तैयार है। कह रहे पर मोदी योगी ने कुछ नहीं किया, हमारी सरकार ने किया, काम किया था। मुझे आवास योजना मिली, मुझे गैस सिलेंडर मिला, मुझे लेटरिन मिली, क्या नहीं मिल रहा, राशन फ्री मिल रहा, हमारे घर में बच्चे भूखन नहीं मर रहे हैं, आज राशन कार्ड, आयुष्मान योजना, कितनी योजनाएं चल रही, अब आप करोगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा? भाई हम भी हैं हरियर कोल्ड में नौकरी करते हैं 7,500 रुपए में, तो अपने हाथ कमाते हैं खाते हैं, बाबा जो दे रहा उससे हमें खुशी है। आज हमारे घर की भाई बहन निकलते हैं, कोई पैसे नहीं छिनाता है, कोई गुंडौती नहीं दिखाता है, पहले ये हाल था, यहीं से मेरे पैसे निकल जाते थे, ऐसे छीन लेते थे, ये राज्य था, ब्राह्मणों की तो कति इज्जत ही नहीं थी। आप कह रहे हैं कि हालात बदल गए हैं, अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की मौत को लेकर मातम मनाते हैं, उनके तो घर जाते हैं, कभी वो राम मंदिर गए हैं, कभी मथुरा गए हैं, जहाँ पर वो बैठे हैं डुके उनको नहीं निकलवा पाए। हमारे तो योगी बाबा ने बहुत अच्छा किया, मोदी ने बहुत अच्छा किया, तो यदुवंशी है, क्या पता आगे यदुवंशी है तो करते क्यों नहीं। जब चुनाव आता था राम मुद्दा उठता था, अब राम मंदिर तो निपट गया, अब मुद्दा लिया मथुरा का, भाई बाबा तो पहले कह चुके कि हमें अब मथुरा लेना है, क्योंकि सब तो ले लिया, अब मथुरा बची है वो भी मुझे लेनी है, और फिर जहाँ और निकलेंगे वो काशी भी लेनी है, जितना होगा ले लेंगे। उसके राम मंदिर पे मोदी जी वोट मांग रहा है, हमारी सरकार होती तो हम 1 साल में मंदिर बनाते। अखिलेश अखिलेश जी के सपने में कन्हैया जी आ सकते हैं, हैं? तो हमारे भगवान हमारे मोदी जी के लिए राम आ गए, तो राम को वो लाए हैं तो हम उनको लाएंगे,
यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कहते हैं हमारी सरकार होती तो एक साल में मंदिर बनाते, तो मोदी जी जानबूझकर लेट किया मंदिर। इतने सालों से नहीं बनवा पा रहे, इतने सालों से नहीं, वो केवल सेपाई में रंगारंग कार्यक्रम करें और बढ़िया बग्गी आती थी अफ्रीका से कहां से, उसमें रह के आते थे, बस वो पैसा जाता था अपने यहाँ से भारत का। भाई आज आज जो हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ? पहले किसानों को नहीं 2,000 रुपए दिए जाते थे हैं? अब पैसे खाते में आ रहे, किसी को आवास नहीं दिया जाता था, भूखन मरता था आदमी, उसके थी झोपड़े पट्टी डाले रह रहा, पानी बरस रहा, कोई सुनता था हैं? आज सबको पक्के मकान, ना मुसलमान ना हिंदू, सबको एक समान। कहते हैं मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे, हम जातिवाद से ऊपर उठ के विकास कर रहे। बताइए कहां से कर रहे? अगर हमको आवास मिला तो एक मुसलमान को भी आवास मिला, और सबसे ज्यादा मुसलमानों को आवास दिया है, हमें लोगों को कम मिला है बल्कि, मगर मुझे संतुष्टि है कि हमें इतने ही मिला, बहुत। हमारे इतने भाई बहन के घर में कम से कम छत तो पक्की हुई, इन लोगों के राज्य में क्यों नहीं हुआ ये? भाई पहले भी तो सरकारें थी, वो नहीं कर पाई, और वही पैसा आप कहते देश बेच दिया। अगर देश बेचते नहीं तो हम लोगों को सबक नहीं आता। कैसे आज वहाँ से हमें पैसा मिल रहा है, उससे हम ये आप लोगों को हर समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई होती रहती है, हर समय लड़ाई होती। आज इतनी हमायती बारूद हो गई, सब कुछ हो गया, पहले कहाँ था? आज सबको चलाने की पूरी वो दे दी आज़ादी, पहले क्यों नहीं था ये? पहले क्यों ऐसे मारे जाते थे, अब क्यों नहीं मारे जा रहे? बदलाव है, बदलाव पूरा है। 4 तारीख को सरकार किसकी? बाबा की, मोदी की, बाबा मोदी। अखिलेश राहुल का क्या होगा भैया? वो जाएंगे फिर साइकिल कबाड़े में जाएगी, और पंजा तो गया बिल्कुल ही गया। पंजा बदलेगा हालात? बहुत कुछ नहीं, वो अपनी नानी के घर जाए इटली में, वो नानी घर जाए, नानी घर खूब पैसे भरे जाके, बहुत पैसा भरा है, बहुत पैसा भरा नानी घर। और क्या, इटली में रहते थे, यहाँ तो मनमोहन दा ताला, सोनिया थी चाबी, और ये तो कुछ आते ही नहीं।